नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा रस्तोगी और आप देख रहे हैं लाइव टुडे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और लोग तंबाकू दूर से रहने की जगह जगह नसीहत दे रहे हैं, क्योंकि तंबाकू से बीमारियों की जड़ है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू से बने उत्पादों से होने वाली बीमारियों और कैंसर के साथ साथ हार्ट अटैक, निमोनिया, ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियां तंबाकू के सेवन से आसानी से हो सकती। लखनऊ के सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि तंबाकू की वजह से हर साल करीब 9 लाख भारतीय अपनी जान गंवाते हैं। किशोरावस्था में ही सिगरेट या बीड़ी को मुंह से लगाते ही स्वास्थ्य संबंधी कई जोखिम भी साथ खो लेते हैं, जिसका सबसे पहला असर सांस प्रणाली पर पड़ता है। यहीं से निकोटीन की लत की शुरुआत भी हो जाती है। इस उम्र में धूम्रपान शुरू करने का एक और बड़ा खतरा यह है कि जो किशोर नियमित रूप से कुछ अरसे तक इसे पीने लगते हैं, वे वयस्क होने पर भी आदत बन जाती है। हर साल करीब 9 लाख भारतीय टोबैको सेवन से मरते हैं। इसमें टोबैको की वजह से डायबिटीज, कैंसर और बहुत तरीके के और बीमारियां होती हैं। नपुंसकता तक भी हो सकती है, इनफर्टिलिटी भी होती है इससे। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी अगर कोई ऐसा करता है तो उसको तुरंत छोड़े, और क्योंकि ये आने वाला जो हमारा समाज है उसके लिए एक बहुत ही ख़राब है, और मैं बच्चों के लिए तो बहुत ही ख़राब है। तंबाकू बेचने वाला उत्पाद, तंबाकू वाले उत्पाद न बेचे जाएं, इसके लिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। पिछली बार हम लोगों ने कई जहां छापे भी मारे थे, और इस पर कोटपा कानून भी है। तो हम लोग चाहेंगे कि इस कानून का, कोटपा कानून का पूरे लखनऊ में अच्छी तरीके से इसका कानून का पालन कराया जाए। लोग सड़क किनारे खड़े होकर सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाना फैशन समझते हैं, तो कई लोग उसे स्टेटस सिंबल भी मानते हैं, जिसका असर बच्चों पर पड़ता है और वो धूम्रपान की तरफ आकर्षित होते हैं। वही धूम्रपान पर लगाम लगाने के लिए नियम और कानून बहुत हैं, लेकिन वो शायद सही तरीके से अमल नहीं किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल सभी जानते हैं कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर लोग इसकी लत को नहीं छोड़ पाते। इसलिए नियम कानून के साथ साथ खुद भी ये आदत छोड़ने पर बल देना चाहिए और तंबाकू उत्पादों को ना कहना चाहिए। लखनऊ से लाइव टुडे के लिए तबरेज की रिपोर्ट। तंबाकू से होने वाली मौतों का आंकड़ा साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए तंबाकू निषेध दिवस मनाने का फैसला किया गया। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने हर साल तंबाकू के उपभोग पर रोक लगाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए तंबाकू निषेध दिवस मनाने का फैसला किया। सात अप्रैल 1988 को WHO की वर्षगांठ पर मनाया गया और बाद में हर वर्ष 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इस दिन तंबाकू या इसके उत्पादों के उपयोग पर रोक लगाने या इस्तेमाल को कम करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। तंबाकू के बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि यह हमें कुछ घातक बीमारियों की ओर अग्रसर करता है। इसके इस्तेमाल के कारण कैंसर, दिल संबंधी समस्याएं होती हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनकी मौत का कारण तंबाकू ही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के दिन धूम्रपान संबंधी उत्पादों के बुरे प्रभावों से संबंधित जानकारी पर पोस्टर की प्रदर्शनी की जाती है। बीड़ी सिगरेट को पहली बार ही मुंह से लगाते ही स्वास्थ्य संबंधी कई जोखिम हमारे साथ हो जाते हैं। जो युवा धूम्रपान शुरू करते हैं कुछ अरसे बाद इसकी लत भी लग जाती है। तंबाकू का सबसे पहले असर हमारी श्वसन प्रणाली पर पड़ता है। धूम्रपान न करने वाले लोग यह सोचकर तसल्ली से बैठ सकते हैं कि भारत में तंबाकू का सेवन करने वाले करोड़ों लोगों में शामिल नहीं है, लेकिन आपको ये बात परेशान कर सकती है कि वह थर्ड हैंड स्मोकिंग के खतरे में हो सकते हैं, क्योंकि सिगरेट पीने के घंटों बाद भी वातावरण में सिगरेट के अवशेष रह जाते हैं जिसमें 250 से ज्यादा जानलेवा रसायन होते हैं।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस की इस साल की थीम तंबाकू और लंग कैंसर है, लेकिन तंबाकू सिर्फ लंग कैंसर तक सीमित नहीं है। शरीर के लगभग हर हिस्से पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और तंबाकू छोड़ने के बाद भी कैंसर की आशंका बनी रहती है। इसलिए यह जरूरी है कि इसके दुष्प्रभावों से बचने या उन्हें कम करने के उपाय करने की बजाय सिगरेट और तंबाकू के इस्तेमाल की बुरी लत को छोड़ने के उपाय किए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे। भारत में तंबाकू से सरकार को बहुत ज्यादा राजस्व वसूलती है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा सरकार तंबाकू से होने वाले बीमारियों पर खर्च कर देती है। भारत में 12 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। इनमें से पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं युवा भी धूम्रपान में पीछे नहीं है और यही वजह है कि तंबाकू के सेवन से न सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि शारीरिक और बौद्धिक नुकसान भी हो रहा है। सरकार को भी तंबाकू से आर्थिक नुकसान हो रहा है। सरकार 34 करोड़ का राजस्व वसूलती है, लेकिन इन्हीं तंबाकुओं से होने वाली बीमारियों के इलाज में 1,04,500 करोड़ सरकार गंवा देती है। यानी सरकार जितना राजस्व वसूलती है उससे 3 गुना इसमें होने वाली बीमारियों में खर्च करती है। विश्व तंबाकू दिवस पर KGMU के क्रिटिकल पल्मोनरी विभाग के प्रभारी डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि तंबाकू उत्पाद में देश के 36 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन सरकार को इससे ऊपर उठकर सोचना होगा कि हर साल 12 लाख लोगों की मौत को रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। आमदनी चवन्नी और खर्चा रुपया, ये उस स्थिति की तरफ जा रहे हैं हम लोग। लग रहा है सरकारों को कि एक बड़ा 34,000 करोड़ का जो मुनाफा है तंबाकू के प्रोडक्ट से, जिसमें सबसे ज़्यादा सिगरेट से है और बाकी अन्य तंबाकू के जितने भी प्रोडक्ट हैं, दूसरा इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, लगभग नहीं तो 50-60 लाख लोग को ये रोज़गार भी दे रहा है ये प्रोफेशन, ये जो इंडस्ट्री है। लेकिन अगर हम इस सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो उसमें ये सामने आ रहा है कि 3 गुना खर्चा इसके जो हजार्ड्स हैं, जो हेल्थ हजार्ड्स हैं, वो इकोनॉमिक बर्डन अगर देखें तो 3 गुना है। इसमें लगभग 104 करोड़ का आ रहा है, मतलब 104 हजार करोड़ का बर्डन है। मतलब सरकार को तंबाकू से सीधे तौर पर राजस्व तो मिल रहा है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा सरकार तंबाकू से होने वाली बीमारियों के इलाज में खर्च कर देती है। तंबाकू उत्पादों पे जितना राजस्व सरकार जुटाती है उससे ज़्यादा उसके इलाज में खर्च करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जितना राजस्व वसूला जाता है उसका 3 गुना उस बीमारी के इलाज में खर्च किया जाता है। ऐसे में सरकार को कोई कदम उठाने होंगे जिससे इस राजस्व को बचाया जा सके और लोगों की सेहत से खिलवाड़ भी ना हो सके। विडोजन मनिक के साथ अवनीश कुमार, लाइव टुडे, लखनऊ। इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए शामिल हैं KGMU के वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर जितेंद्र राव। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हर साल विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है, फिर भी तंबाकू जनित रोग से पीड़ित रोगियों में कमी नहीं आ रही है, क्या कारण है? आपको बता दें, जो हम लोग देखते हैं डेली रूटीन में अपने आस पास के लोग जिस तरह के अपनी हैबिट्स, खाने के साथ साथ कुछ उनको एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होती हैं जी। जैसे खाने के साथ वो सबसे पहले स्मोकिंग कुछ लोग करते हैं, बीड़ी पियेंगे तब उनको जा करके सेटिस्फैक्शन होता है। खाना खाने के बाद भी वो उनको बहुत सारे मटेरियल, खाद्य पदार्थ चाहिए होते हैं, तो एक उनके हैबिट एक बन गई है हमेशा मुंह चलाने की। तो उस प्रक्रिया में वो पाउच खाएंगे, बीड़ी पियेंगे, गुटखा खाएंगे, कुछ भी करते रहते हैं, तो उससे अपने आप से ही बहुत सारी बीमारियाँ घर कर लेती हैं। और वो बीमारियों के बारे में आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन ये हैबिट बहुत ही खतरनाक है और एक आने वाली जनरेशन के लिए भी एक इंडिकेटर है। जी जितेंद्र जी, तंबाकू के सेवन से 40 प्रकार के कैंसर हो रहे हैं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, वही इसका इलाज कैसे संभव है? आपको बताएं कि सबसे पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट जी। प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, हमें किसी और से नहीं सीखना, खुद अपने समाज में अच्छे लोगों से सीखना है, जो बेहतर और सफल लोग हैं, जो आसपास के जो लोग सेवन करते हैं कहीं ना कहीं उनके बारे में सोचना चाहिए। डिप्रेसिव लोग हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिसकी वजह से आदमी को कहीं ना कहीं स्टिमुलेंट की ज़रूरत होती है निकोटीन के फार्म में, तो वो टुकड़े, पाउच के टुकड़े फाड़ता है और खा लेता है, सिगरेट पीता है स्ट्रेस को दूर करने के लिए।
तो हम यही कहना चाहेंगे कि इन जो फैक्टर्स हैं जो आपको टेम्परेरी स्टिमुलेशन देते हैं, मानसिक रूप से आपको एक शांति मिलती है उनको पीने से, इनको आप एक अस्थाई इलाज की तरफ जाएं, अस्थाई पदार्थ खाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्वस्थ चीज़ खाएं, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, स्वस्थ लोगों के साथ रहें और सफल लोगों के साथ सोचें और उनसे सीखें, तभी हमारे बीच में परिवर्तन आएगा, अदरवाइज ये डेली हमारा प्रक्रिया चलती रहेगी। जी जितेंद्र जी, सरकार जितना राजस्व वसूलती है उससे ज्यादा तंबाकू रोग से जनित बीमारियों पर इलाज में सरकार का खर्च हो जाता है, पूर्णतया आखिर प्रतिबंध क्यों नहीं लग पाता इस पर? कहीं ना कहीं जो एक टर्नओवर है, सबसे पहले सरकार की इकोनॉमी में वो शामिल होता है और टर्नओवर का और उनका प्रोडक्शन का दबाव रहता है, और प्रोडक्शन जो बनाने वाली कंपनियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट चली जाएंगी, हाई कोर्ट चली जाएंगी अपने आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो हर तरह से दबाव उनका है। हमारे जो कानून बने वो उनको वो जो है फीका कर देती हैं, सार्वजनिक स्थानों पे हमें स्मोकिंग नहीं करनी है, पाउच नहीं खाना है, फिर भी करते हैं। इतना एडवर्टाइजमेंट हम लोग देते हैं, टीवी में लाखों करोड़ों खर्च होते हैं और उनकी चेतावनी भी लिखी होती है, लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तो एक दबाव तो है सरकारी मिशनरीज पे, तो उस दबाव को झेलने के लिए कहीं ना कहीं हमें कानून में और अपने आप में परिवर्तन, नागरिक को अपने आप में सोचना चाहिए कि जो सरकार ने नियम कानून बनाए हैं उन्हीं के फायदे के लिए हैं, तो हम भी, सरकार ने जैसा कहा है स्वच्छ भारत, तो स्वस्थ शरीर और हेल्दी शरीर और हेल्दी ओरल कैविटी, ये हमारा भी मिशन होना चाहिए, तभी ये ड्रीम पूरा होगा, सरकार का भी हमारा भी, और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर डेवलप होगा आसपास, नहीं तो इसे चलता रहेगा, क्योंकि सरकारें दबाव में तो रहेंगी, कंपनियां हैं उनका दबाव रहता हमेशा। जी, विश्व तंबाकू दिवस पर तंबाकू की रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं? सबसे पहले मैंने कहा आपको आज के दिन सबसे एक प्रण लीजिए, रोकथाम से पहले अपनी हैबिट्स के बारे में सोचिए, क्या हमारा ओरल कैविटी हमेशा चबाते हुए रहना चाहिए जी। क्या मुंह चलते रहना चाहिए, इसको आप सोचिए कि एक एक नेचुरली हम अपने मुंह को थोड़ा रेस्ट दें, आराम दें, उससे क्या फ़ायदे होंगे, आपके जो जबड़े हैं हेल्दी रहेंगे और उसके जो दांत हैं वो भी हेल्दी रहेंगे, मसूड़े स्वस्थ रहेंगे, जितना देर आप जबड़े को चलाएंगे दांत घिसेंगे, दांत में ठंडा गर्म लगेगा, दांत घिसेंगे तो गाल को काटेंगे और कहीं ना कहीं शुरुआत हमारी जो पहले कैंसर की होती है मुँह से ही होती है, आपके गाल को इतना नुकीला पदार्थ जब काटेगा तो काटता है, और जब आप पाउच खाते हैं, पाउच में जो सबसे खतरनाक पदार्थ होता है, मैं आपको यही बता दूं, गैम्बियर एक ऐसा पदार्थ होता है जो स्किन को गला देता है, वो चमड़ा जो उद्योग है चमड़े को गलाने के लिए यूज़ करते हैं गैम्बियर, वही पदार्थ इस पाउच में रहता है, तो इस सब को जानते हुए हमें उनसे दूर रहना है, अपने स्वास्थ्य को डॉक्टर को दिखाते रहना है, बीच बीच में जब भी मौका मिले डॉक्टर के एडवाइस लेकर के हमें अपने दांत को सफाई भी करानी चाहिए, अगर दांत हमारे नुकीले हैं तो उनको ग्राइंड करा लेना चाहिए और अपने हैबिट में डेली बाय डेली अच्छे इम्प्रूवमेंट लाने चाहिए। अब से अगला सवाल पूछेंगे, सरकार क्या कदम उठाए, आपके अकॉर्डिंग ऐसे कौन से कदम उठाए जाने चाहिए जिससे तंबाकू पर रोक लग सके? देखिए, सरकार अपनी तरफ से जितने उनके बॉडीज हैं, गवर्नमेंट के बॉडीज हैं, उनके थ्रू समय समय पे अपने प्रोग्राम करती रहती है और एक अध्यादेश के थ्रू सार्वजनिक स्थानों पे तंबाकू को लेकर के रोकथाम के लिए कानून भी है, वो कानून बहुत स्ट्रिक्ट है, इवन कि आप रेलवे में जब आप सफ़र करते हैं वहाँ पाउच नहीं बेच सकते, कोई खरीद नहीं सकते, दोनों के लिए कानून है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है, कहीं ना कहीं एक दबाव, जो भी कहेंगे समाज में लोग डिमांड करते हैं तो सप्लाई ज़रूर होगी, तो ये जो तरीका है काम करने का एजेंसियों का, उसको रोकने का सबसे पहला प्रक्रिया यही होना चाहिए कि जो फाइन है, फाइन की प्रक्रिया लगाए और उनसे वसूली भी है और उनको एक टैग करे कि आगे से फ्यूचर में वो लोग सार्वजनिक स्थानों पर पाउच ना रखें, एक चालान टाइप की प्रक्रिया अपनानी चाहिए सरकार को, और बेसिकली हॉस्पिटल्स में जब मरीज देखते हैं और वहाँ पे भी पाउच खा रहे हैं तो बाहर भी लोग खाते हैं, तो हॉस्पिटल को हमारे यहाँ जैसे इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए टोबैको फ्री, लेकिन हमारे आसपास भी देखें रोड के आसपास तंबाकू के पाउच बिकते हैं, लोग स्मोकिंग करते हैं, तो पहली शुरुआत होनी चाहिए संस्थानों से, स्कूल से, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उनके आसपास प्रतिबंध लगाना चाहिए सरकार को कि कोई भी स्कूल के आसपास, जैसे कुछ एक दायरे में शराब की बंदी होती है उसी तरह से पाउच की पाबंदी होनी चाहिए, सिगरेट की पाबंदी होनी चाहिए, तो शुरुआत सार्वजनिक स्थानों से होनी चाहिए, स्कूल और कॉलेजों से, सरकार को यहाँ रोकथाम करने के लिए कानून कड़े लगाने चाहिए। जी जितेंद्र जी, WHO ने इस बार थीम रखी है टोबैको और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ये VC, यानी कि इसका क्या मतलब है कि CV का जो एक बीमारी है? ये शुरुआत आपके जो हम लोग स्मोकिंग करते हैं जी, वो उसका जो इफेक्ट है आपका कहीं ना कहीं
लंग में फेफड़े जाता है, हार्ट में जाके ब्लॉकेज करता है, आपकी धमनियां उसके निकोटीन के इफेक्ट से एथेरोस्क्लेरोसिस से वहां पे थिक हो जाती हैं, जिससे ब्लड सप्लाई सर्कुलेशन में आपके कार्डियक सप्लाई नहीं हो पाती है, धीरे धीरे वहां ब्लॉकेज की वजह से फिर आपका गाल तो भी समझिए आप चपेट में है, वो प्री कैंसर लीजन की तरफ आपको ले जा रहा है। प्री कैंसर लीजन आगे चल करके काफी हद तक वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, जिसका इलाज केवल सर्जरी होती है, और उस स्थिति में आपको पहुंचा सकता है। तो आपको स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का इंतजार नहीं करना है, उसके पहले जितना भी हो सके आपके मुंह में जो भी लक्षण आ रहे हैं डॉक्टर के पास जाके इलाज करके उसको आप सही कर सकते हैं। जी, अगर बात की जाए जैसे परिवार का कोई सदस्य अगर स्मोकिंग करता है या फ्रेंड सर्कल में कोई फ्रेंड है जो स्मोकिंग कर रहा है, तो सेकेंड स्मोकिंग कितनी घातक है? सेकेंडरी और इनडायरेक्ट स्मोकिंग जो होती है उसमें बहुत ही घातक है, जो लोग पी रहे हैं उनसे ज्यादा घातक आपके जो सामने वाला जो उसको ले रहा है, सूंघ रहा है जी, वेपर्स की वजह से ज्यादा दुगना खतरा है, ये स्टडी कहती है। जी जी, जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।